में सर थ्री प्रीपेड एक्सपेंस या फिर अनएक्सपायर्ड या फिर सर रिलेटेड टू नेक्स्ट बस रिलेटेड टू नेक्स्ट हो मतलब अगले साल से रिलेटेड है ऐसा कुछ बोला जाए तो अगेन कितनी जगह होगा दो जगह सर कहां कहां दो जगह सर दो जगह जो होगा ना वो होगा या तो ट्रायल बैलेंस में ट्रायल बैलेंस में या फिर होगा इन एडजस्टमेंट में या तो गिवन होगा एडजस्टमेंट में सर अगर ट्रायल बैलेंस में हुआ तो कितनी जगह जाएगा एक जगह और एक जगह जाएगा ये बैलेंस शीट के एसेट साइड बैलेंस शीट के एसिड साइड दूसरा जाएगा सर अगर एडजस्टमेंट में है तो आपको पता है कि दो जगह लेके जाना होता है हमें एक चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस और ट्रेडिंग अकाउंट ठीक है सर दूसरा जाएगा बैलेंस शीट सर प्रॉफिट एंड लॉस में कहां जाएगा ये लेस हो जाएगा फ्रॉम एक्सपेंस और बैलेंस शीट के कहा जाएगा सर एसेट साइड बैलेंस शीट के कहा जाएगा एसेट साइड जैसे फॉर एग्जांपल आपका मैंने कहा रेंट दे रखा है पहले से बीस हजार रुपए और मैंने बोला प्रीपेड रेंट दो हजार है तो उस बीस हजार जो आपने रेंट एंडल में लिखा है ना उसमें से दो हजार माइनस कर देंगे तो एंडल में रह जाएगा अठारह और दो हजार रुपए कहां चले जाएगा सर एसेट साइड में समझ में आ रहा है आपको तो ये था एडजस्टमेंट नंबर थ्री जो किससे रिलेटेड था सर प्रीपेड एक्सपेंस या अनएक्सपायर्ड या रिलेटेड टू नेक्स्ट नहीं इनकम नहीं एक्सपेंस प्रीपेड एक्सपेंस की बात कर रहे हैं इनकम पे तो अभी आए नहीं हम अभी सारा खर्चा चल रहा है ठीक है कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं